फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आप सब बढ़िया होंगे। सो गाइस, मोबाइल इंडस्ट्री का सबसे बेस्ट मोबाइल रिलीज हो गया है, जो है आईफोन 13। और आपको पता है आईफोन 13 बेसिकली किसके लिए फेमस है? वो अपनी सिंपलिसिटी के लिए फेमस है, अपने डिज़ाइन के लिए फेमस है, और वो अपने कैमरा के लिए भी फेमस है। सो गाइस, आज हम आईफोन 13 के कैमरे के बारे में डिटेल में बात करेंगे। सो गाइस, चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो। गाइस, इस बार आईफोन 13 में बहुत से अपग्रेडेशन हुए हैं, फिर चाहे लो लाइट फोटोग्राफी क्यों ना हो या फिर सिनेमैटिक वीडियोस क्यों ना हो। सो गाइस, इस बार बेसिकली आईफोन 13 ने एक सिनेमैटिक वीडियोस का अलग ऑप्शन दिया है, जिसकी मदद से आप इजीली सिनेमैटिक वीडियोस शूट कर पाओगे, और इसको मैं अभी डिटेल में आपको बताऊँगा कैसे। अब फिलहाल थोड़ी टेक्निकल बात की जाए, इसमें आपको 12 मेगापिक्सल का वाइड एंगल कैमरा मिलता है, जिसमें 1.7 माइक्रोमीटर की इमेज स्टेबलाइजेशन मिलती है। अब आपको मैं थोड़ा डिटेल में बताता हूँ माइक्रोमीटर क्या होता है। 1 माइक्रोमीटर = 1/1000 मिलीमीटर, मीन्स कि इतनी ज़्यादा क्वान्टिटी में आपको मिलीमीटर्स मिलते हैं, और मिलीमीटर्स आप बेसिकली रिलेट कर पाओगे पिक्सल से। पिक्सल को हम रिलेट करते हैं रेजोल्यूशन से। जितने ज़्यादा माइक्रोमीटर होंगे, उतनी ही ज़्यादा अच्छी आपकी इमेज आएगी, और उतने ही नॉइज आने के कम चांसेस होते हैं। इवन अगर आपके पास माइक्रोमीटर्स कम होंगी, तब आपकी जो इमेज आएगी उसमें आपको नॉइज ज़्यादा दिखेंगे, और ये आपको तब पता चलेगा जब आप इसको आप नाइट फोटोग्राफी में शूट करोगे, तब आपको इस चीज़ के बारे में डिटेलिंग में पता चलेगा कि माइक्रोमीटर का बेसिकली क्या रोल होता है। बाकी आपको इस बार वाइड एंगल में आपको मोड लाइटनिंग भी गिवन है, और इसमें एक न्यू सेंसर लगा है जो है ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन का, जिसकी मदद से जो आपकी फुटेजेस होगी वो मोर स्टेडी शूट होगी। चाहे फिर आप रफ रोड में ड्राइव कर रहे हो या आप रफली रन कर रहे हो, तब भी ये आपको दिखेगा। इसके अलावा आपको आईफोन 13 में टेली जूम लेंस भी मिलता है, जो कि 2.5 से अपग्रेड होकर 3 हो गया, मीन्स अब आप 3 तक ऑप्टिकल जूम कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपकी इमेज विदाउट नॉइजी तरीके से शूट हो सकती है। इसके अलावा इसमें आपको सुपर वाइड एंगल के एपेचर को भी इम्प्रूव किया गया है। ताकि आप नाइट फोटोग्राफी इजीली और अच्छे तरीके से शूट कर पाए, क्योंकि लास्ट टाइम आईफोन 12 प्रो में वो फीचर इतना अनेबल नहीं था, और जिसकी वजह से नाइट फोटोग्राफी अप टू द मार्क नहीं आती थी, लेकिन दिस टाइम आईफोन 13 प्रो में आपको ये क्रेजी फीचर मिलेगा। इसके अलावा एप्पल अपने आईफोन 13 प्रो के लिए एक नया फीचर लाया, एप्पल प्रोरेस। प्रोरेस एक ऐसी वीडियो कोड है जो एप्पल ने बनाई है, जो बेसिकली कंप्रेस करेगी आपकी वीडियो को एक गुड इमेज एंड कूल डाटा में, और एक ग्रेट क्वालिटी आउटपुट निकालेगी, ताकि आप उसे पोस्ट प्रोडक्शन में इजीली यूज़ कर पाओ। और ये जो आउटपुट निकलेगा, ये बेसिकली हम कमर्शियल्स एड्स के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर हम फीचर फिल्म के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। और ये जो टेक्निक है, ये पहली बार ही आपको किसी मोबाइल डिवाइस में दिखेगी, वो हमारा है आईफोन 13 प्रो। सो गाइज, ये बहुत क्रेजी फीचर लगा है मेरे को लिटरली। सो गाइस, इसी के साथ हमारी वीडियो होती है ख़त्म। आपको सबसे ज़्यादा क्रेजी फीचर कौन सा लगा इन सब में से? मैं आपको अब अगली वीडियो में मिलूंगा कुछ नए क्रेजी टॉपिक के साथ। कमेंट बॉक्स में बताइएगा जो आपका क्रेजी फीचर है। सो गाइस, इसी के साथ हमारी वीडियो होती है ख़त्म। बाय, टेक केयर।